तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं आईओएन डिजिटल धनबाद में। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं जो कि एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देके आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे एग्जाम का हाल और पैटर्न किस तरह से था। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं। सर, मेरा नाम आकाश कुमार सिंह है, मैं महोदा से आया हूँ। आपका क्या नाम और कहाँ से? मेरा नाम अमरजीत कुमार है, मैं बिहार से हूँ और जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ। आप कहाँ से हैं? रोहित कुमार गुप्ता। अच्छा, कितने क्वेश्चन आप लोग अटेंप्ट किए हैं? सर, मैं 78 78। कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन। हम लोग पहले चैप्टर वाइज बात करेंगे, सेक्शन वाइज बात करेंगे। तो पहले हम लोग जीएस के बारे में बात करें, तो जीएस में करंट अफेयर का जो टॉपिक होता है उसमें से कितना क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से? सर, करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आए थे। एक आया था पंजाब के मुख्यमंत्री अभी कौन है, और एक था कि 2022 में किसको एक पुरस्कार मिला है वो। दोनों करंट अफेयर जो 2022 का ही था। और कुछ क्वेश्चन जीएस का? नहीं, और जो था हिस्ट्री से था, मुगल एम्पायर से था। क्या क्वेश्चन था? मुगल एम्पायर से था कि जो अकबर का जो शासन काल है उससे क्वेश्चन था। और मुगल कालीन व्यवस्था। एक था सर, बाबर को, इब्राहिम लोधी बाबर को कब हराया। अच्छा, वो था। क्वेश्चन हिस्ट्री से? और था सर कि कांग्रेस के पहला महिला अध्यक्ष भारत की कौन है। और सर, और तो यार, नदी पहाड़ से क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था? इकोनॉमिक्स से? ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था सर कि कौन सा सीमा नहीं लगता है भारत से कौन सा सीमा नहीं लगता? किस देश की सीमा? अच्छा, भारतीय राज्य जो दूसरे देश की सीमा से नहीं लगती है, जिसमें से श्रीलंका होगा उसका। और कुछ क्वेश्चन बताइए। मैथ में बहुत ज़्यादा मैथ नहीं, पहले हम जीएस की बात करेंगे उसके बाद मैथ। और पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन? पॉलिटी से सर एक वो था कि राज्यसभा और लोकसभा में जो स्पीकर है उसको कौन चुनता है। हाँ, एक वो था। और तो संसद का संचालन से क्वेश्चन था, जिसमें से राज्यसभा को कौन संचालित करता है और लोकसभा को कौन संचालित करता है, ये क्वेश्चन था। और कुछ जीएस का? और भी था, नॉर्मल क्वेश्चन था। साइंस से कुछ क्वेश्चन आया था क्या? सर, साइंस से एक क्वेश्चन था कि अंतर्गामी थैली में। साइंस में अमीबा से क्वेश्चन था। अमीबा वो अपना शेप चेंज क्यों करता है और वो अपने अनुसार वो जो शेप होता है वो क्यों चेंज करता है, यही क्वेश्चन था। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? अच्छा, आत्मघाती थैली। साइंस से दो ही क्वेश्चन आया था? नहीं, क्वेश्चन तो और भी थे। क्या था क्वेश्चन, कुछ याद है साइंस का? और ज़्यादा एक अमीबा से दो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन था। हाँ, एक और क्या? वो शेप क्यों चेंज करता है। हाँ, एक तो हो गया। और वो अपना शेप कहीं भी क्यों चेंज कर सकता है, ये क्वेश्चन था। मतलब दो क्वेश्चन अलग कोलैबोरेट करके क्वेश्चन दिया हुआ था। और पीरियोडिक टेबल से नहीं आया क्या केमिस्ट्री में? पीरियोडिक टेबल से कोई कुछ नहीं? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। और कोई अवार्ड से, स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से सर, स्पोर्ट्स से तो नहीं आया। अवार्ड से कोई क्वेश्चन? नहीं, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन। बुक और ऑथर से क्वेश्चन आ रहा था? एक क्वेश्चन आया था सर, वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है मगर आया था। क्वेश्चन है क्या पता, बुक और ऑथर वाला? क्वेश्चन याद नहीं लेकिन आया था। एक आया था। और ज्योग्राफी की बात करें तो और कुछ? ज्योग्राफी में सर वही जो किस देश की सीमा किसे नहीं लगती। हाँ, वो था जिसका आंसर श्रीलंका होता। और स्टैटिक से कुछ क्वेश्चन आया क्या? स्टैटिक से कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन आया था जीएस का? नहीं। तो अब हम लोग चलेंगे मैथ के बारे में। तो मैथ में किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था, वेटेज सबसे ज़्यादा किसका था? सर, परसेंटेज से था। कितना क्वेश्चन था? 3 या 4 क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस से था, रेशियो प्रोपोर्शनल से था। प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन कुछ बताइए? वही लाभ हानि से ज़्यादा था, परसेंटेज निकालने थे। हाँ, फिर उसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में दिया हुआ था और फिर हानि परसेंटेज निकालने थे। हाँ, नॉर्मली क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। 4 या 5 क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस से? बहुत ज़्यादा था। जी सर, 3 या 4 क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा नहीं था। बट्टा से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन किस तरह का था? वो क्वेश्चन था सर कि मतलब छूट दिया हुआ था। हाँ, उसको निकालना था कि मतलब वो कितने में खरीद सकता है, सीपी है उसका ज्ञात करना है। और सीआईएसआई से क्वेश्चन? ना ना, एक भी क्वेश्चन नहीं था सीआईएसआई से। एक क्वेश्चन था सर। किस तरह का था? वो साधारण बेच से निकालना था। अच्छा, और परसेंटेज था, फिर प्रोबेबिलिटी से थे। क्वेश्चन परसेंटेज से था, बस नॉर्मली क्वेश्चन थे। एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन था सर, जैसे कि हाँ, एक का 5 गुना, 4 साल में 5 गुना हो जाता है। हाँ, तो कितने साल में 8 गुना होगा। हाँ, वो था सर।
अच्छा, और मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन? हाँ, मेंसुरेशन से था। कितना क्वेश्चन था? दो क्वेश्चन था, एक था अर्धगोले का, एक वर्ग से संबंधित था सर। मतलब फॉर्मूला किस था? हाँ, एक ट्रायंगल का था जिसमें पेरीमीटर दिया हुआ था और उसके जो एक साइडेड है उसका बोला गया था कितने होंगे। एक ट्रायंगल से हो गया, एक आपका क्या बोलते हैं वर्ग से था और एक अर्धगोले से था। ट्रायंगल, पेरीमीटर और सर्कल, ये तीनों से थे। और हम लोग टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो टाइम और वर्क से एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि सबका अलग अलग काम दिया हुआ था तो मतलब इजी क्वेश्चन था कि उसके दोनों कामों के बीच में डिफरेंस मतलब निकालना था कि एक मतलब तीनों मिल के काम कितना दिन में कर सकता है। और एक क्वेश्चन था सर कि प्रॉफिट लॉस से था, एक क्वेश्चन कि पूरा टोटल दिया हुआ है और सबका काम में बटा हुआ था, उसका मतलब स्ट्रेंथ निकाल के उसको उसका मतलब दोनों के बीच का अंतर निकालना। और टाइम एंड स्पीड से, स्पीड ट्रेन या फिर बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आ रहा था। एक क्वेश्चन था सर, किससे? ट्रेन से। ट्रेन से क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन याद है? यही था, एक का डिस्टेंस दिया हुआ था और जो टाइमिंग दिया हुआ, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है ये दिया हुआ था। अच्छा, और क्या, और कुछ क्वेश्चन? टाइम एंड डिस्टेंस से, स्पीड से, टाइम, और एक खंभे वाला क्वेश्चन था कि किसी भी खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, अगर गाड़ी इतने के स्पीड दिया हुआ था और डिस्टेंस दिया हुआ था, दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन था। और एवरेज से क्वेश्चन आया क्या? एवरेज से? एवरेज से नहीं सर, एक शायद मतलब उसको एवरेज नहीं बोल सकते, वो आयु का ही था सर, एज का ही था। क्या मतलब माता और पिता का आयु दिया हुआ था दो तीन वर्ष पहले का, उसके बाद तीन वर्ष बाद जो बच्चा भी उसमें शामिल हो जाता है उसका आयु था, तो बच्चे का याद करना। अच्छा, एक क्वेश्चन सब्सक्राइबर का था कि उन लोग कहना था उन लोगों का कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहा है क्या जीएस में या फिर मैथ का? प्रीवियस ईयर से नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, मैथ का लेवल सर नॉर्मल ही था उतना, मैंने थोड़ा सा मतलब रीजनिंग थोड़ा ट्रिकी टाइप का था। रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया? मैं इसमें ज़्यादा जो था वो मिरर वाला था, मिरर इमेज वाला, मिरर इमेज, फिर उसके बाद श्रृंखला वाला था। हाँ, मिरर से कितना क्वेश्चन? मिरर से तीन था सर, तीन। और श्रृंखला से? श्रृंखला से दो क्वेश्चन सर, दो क्वेश्चन। और कोडिंग और डिकोडिंग का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, कितना? तीन से चार क्वेश्चन आया था। मतलब किस तरह का था क्वेश्चन? बनने वाला था कि थोड़ा टिपिकल था क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग वाला थोड़ा टिपिकल था। कितना क्वेश्चन? चार क्वेश्चन सर। मतलब चार क्वेश्चन था, टिपिकल कितने क्वेश्चन था? टिपिकल एक या दो ही था, बाकी नॉर्मल ही था सर, मतलब एयर फेयर या अदल बदल के ऊपर नीचे या मतलब इजी था। हाँ, इजी था सर। और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा था लगातार, दो तीन क्वेश्चन आ रहा था सीटिंग अरेंजमेंट से था। कितना क्वेश्चन आया उसमें सर? तीन था, तीन क्वेश्चन थे। तीन किस टाइप का था, मतलब सर्कल वाला ही था? नहीं सर, मतलब उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, साइड में मतलब इसके दाई ओवर ये बैठा भाई और बीच में एक ज्ञात करना था। हाँ, सर्कल से भी क्वेश्चन था क्या? सर्कल से था, फिर दिशा से संबंधित क्वेश्चन था। हाँ, और फिर कोडिंग दिशा से कितना था क्वेश्चन? दिशा वाला दो था, दो था। ब्लड रिलेशन से क्लॉक कैलेंडर इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या? ब्लड रिलेशन वाला दो क्वेश्चन था, क्वेश्चन था इस बार। हाँ, इस बार था। क्या था क्वेश्चन बताइएगा तो? जैसे अगर लेटर दिया हुआ था, ए बी का भाई है, सी का, सी से छोटा है, ये फिर नहीं आता था, रैंकिंग में आता नहीं, रीजनिंग में आता है। हाँ, रैंकिंग का चैप्टर है। फिर उसमें जो दिया हुआ था कि ए जो है बी का भाई है, सी सी उससे छोटा है, तो फिर उसका जो चचेरा भाई होगा, इस तरह का क्वेश्चन था। डी आई वाई से क्वेश्चन आया था क्या? डी आई, हाँ डी आई से दो था, पाई चार्ट था। हाँ, एक दोनों का एवरेज निकाल के उसके बाद डिफरेंस पूछा था, दोनों मतलब एक शोरूम और दूसरे शोरूम का दो डाटा दिया हुआ था, दोनों का एवरेज निकाल के दोनों का डिफरेंस भी था। दोनों क्वेश्चन इसी तरह डी आई का? हाँ, एक था इसी तरह और एक था सर, एक था डिग्री वाला। अच्छा, जैसे कि बी बी डिग्री मैंने ए बी सी डी इस तरह बटा हुआ था, उसमें डिग्री वाइज दिया हुआ था, तो दो का वैल्यू दिया हुआ था कि दोनों का बी और सी का जोड़ के इतना पुस्तक है। हाँ, तो टोटल चार्ट का मतलब। और कुछ क्वेश्चन जो मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है क्या? एक था सर, उसमें था कि दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, पांच का क्यूब, छह का क्यूब। कितना क्वेश्चन था मिसिंग नंबर से? एक ही था क्वेश्चन? नहीं, एक दो था, ज्यादा नहीं था। क्वेश्चन इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था,
क्वेश्चन जो था उसका मैथ का जो लेवल था वो 6-7 का लेवल पूछेंगे। और अभी लास्ट टॉपिक बच गया हम लोग का, वो इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के बारे में किस तरह का क्वेश्चन था? इंग्लिश में जनरल क्वेश्चन ही था। साइनो एंडो से कितना क्वेश्चन था? साइनो एंडो 2-3 या 4 था। ज्यादा साइनो क्या था कुछ किसा? नहीं, क्वेश्चन याद नहीं। इरद कितना था? इरद 2 या 3 था, 3 लगभग। स्पेलिंग मिस्टेक? हां 2-3 था। इसमें था स्पेलिंग मिस्टेक से। क्या था? से रॉकेट का रॉकेट करके दिया हुआ था, फिर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए थे जिसमें से कुछ गलत दिया हुआ था, एरर था, तो उसको ठीक करके लिखना था। पैसे से कुछ क्वेश्चन आया क्या? पैसे से? पैसे एक था सर 5 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स था, पैसे टाइप का ही था। ग्रामर से कुछ क्वेश्चन आ रहा है क्या? फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर जिससे पूछा जाता था CGL में, उस तरह क्वेश्चन? ग्रामर से तो नहीं आया। ग्रामर से? मैंने CGL एग्जाम नहीं दिया, फर्स्ट एग्जाम। ग्रामर से इसमें क्वेश्चन आया था? ग्रामर से एक ज्यादा नहीं था, एक दो नंबर वही आया था। और ग्रामर से कोई मतलब बेसिकली जो इंग्लिश में आता है साइनो एंटो और इरर वगैरह क्वेश्चन आता था। बस इरर और वन वर्ड सिचुएशन था दो। हां, और ये था क्या बोलते हैं कुछ क्वेश्चन और इंग्लिश का वन वर्ड? सारे इजी थे क्वेश्चन, उतना हार्ड नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओवरऑल आप लोग से 4 सेक्शन आप लोग देखे होंगे, उसमें से चारों सेक्शन में सबसे आपको अगर रेटिंग देना हो तो सबसे इजी सबसे हार्ड आप लोग किसको रेटिंग देंगे? मैथ। सबसे इजी मैथ, मैथ। तो सबसे हार्ड? सबसे हार्ड तो सर थोड़ा रीजनिंग ही था आपके लिए। सबसे इजी तो GS था मेरे लिए। सबसे इजी GS था। और सबसे हार्ड? हार्ड थोड़ा इंग्लिश लग रहा था। इंग्लिश था, अच्छा। चलिए, और कुछ आने वाले जो स्टूडेंट है कैंडिडेट है उनको कुछ फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? अगर इसमें रेगुलर प्रैक्टिस रहा तो फिर एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस खोजता है, रेगुलर बच्चे हैं वो क्रैक कर जाएंगे। हाँ, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल मतलब इजी था, इजी था या फिर मॉडरेट था? जो है टाइमिंग लेवल जो है वो थोड़ा कम पड़ जा रहा था। हाँ, क्योंकि हाँ टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहे थे, टाइम थोड़ा कम पड़ा। अब इसके लिए प्रैक्टिस की कमी है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए थे इसके वजह से। बाकी और अंदर में सेंटर के अंदर किसी तरह कोई दिक्कत हुआ आपको? दिक्कत तो कोई नहीं सर, दिक्कत किसी तरह कोई दिक्कत? सारे लोग अच्छे से गाइड कर रहे थे, कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप लोग का थैंक यू और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों देखिए आप लोग देखें कि इन्होंने सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दे के आए हैं और अपना एग्जाम रिव्यू दिया, अपना जो भी एक्सपीरियंस था इनको वो शेयर किए हैं। और आप भी आपका भी एग्ज़ाम है आने वाले समय में SSC MTS का, तो आपको भी इस वीडियो ज़रूर हेल्प हुआ होगा। दोस्तों आपसे एक और निवेदन करना चाहेंगे कि आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी अपलोड किया जाता है PDF दिया जाता है वो उसी ग्रुप में दिया जाता है। अगर किसी तरह कोई डाउट है, अगर हमसे पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके मैसेज हमें कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।